आप सभी का एनसी ऑफिशियल कुकिंग में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीके से गर्मियों में पीने वाला मिल्कशेक, जो कि एक नई रेसिपी के साथ मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए बगैर देर के हुए बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ सौफ लिया है, 100 ग्राम के लगभग सौफ को, और थोड़ा काली मिर्च और काजू बादाम, और मैंने इसमें खरबूजे का बिया, सब सारा सामान मैंने लेके एक ही साथ अलग अलग मैंने इसको पीसा है, पीस के इसका पाउडर बना लिया है। आप अपने हिसाब से, क्वांटिटी का कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से अगर 100 ग्राम के लगभग अगर सौफ है तो आप 50-50 ग्राम और सामान सब डाल सकते हैं। बस काली मिर्च थोड़ा कमी डालें, 25 ग्राम के लगभग डालें। आप अपने हिसाब से काली मिर्च डाल सकते हैं और काजू बादाम भी अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्वांटिटी का कोई वो नहीं है। और मैंने सारे सामान का पाउडर बना लिया है। सौफ की मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहना चाहिए, क्योंकि सौफ इसमें ज़्यादा चाहिए रहता है। तो 100 ग्राम सौफ और इसमें अब काजू बादाम भी 100-100 ग्राम डालेंगे, बराबर सौफ का काजू बादाम का क्वांटिटी बराबर रहना चाहिए। और थोड़ा काली मिर्च थोड़ा 25 ग्राम के लगभग डालना, और खरबूजे का भी बीज भी आप 50 ग्राम 100 ग्राम के लगभग डाल सकते हैं। तो मैंने सारे सामान को अच्छे से पीस के पाउडर बना लिया है। गर्मियों के दिन में ये बहुत ठंडा रहता है, पीने के लिए अच्छा रहता है। अभी मैं क्या करूँगी इसको, मैंने यहाँ आधा लीटर से ज़्यादा थोड़ा मैंने दूध लिया है। अब इसमें मैं ये जो मैंने पाउडर बनाया है ये डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको पाउडर जैसा बना के रख लें, और आप इसको चाहे तो जब आपको मन करे आप फटाफट बना के पी सकते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छा है, टेस्टी है, हेल्दी भी रहता है और बहुत ठंडा रखता है। आप इसको ठंडे दूध में अगर बना के पियेंगे गर्मी के दिनों में तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो बहुत। अभी मैं इसमें चीनी को पानी में घोल के मैंने रखा था वो डाल दूँगी। आप चाहे तो आप चीनी को चाहे पीस के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो वैसे भी डाल सकते हैं पानी में घोल के, साथ में भी आप पाउडर के साथ नहीं पीसेंगे, क्योंकि पाउडर को आप अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इसमें चीनी डाल के ना पीसें, और अलग से चीनी डालें। और चीनी को या तो पानी में घोल के रख ले उसको डाल दें, या तो आप पाउडर बना के डाल दें। देखिए मेरा ये ठंडा ठंडा गर्मी का मिल्कशेक बन के तैयार हो गया है, सॉफ्ट वाला। अब मैं इसको एक ग्लास में निकालूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ग्लास में दो निकाल लिया है, और मेरा तैयार है गर्मियों में पीने वाला ठंडा ठंडा दूध और सौफ का मिल्कशेक। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।